देश तोड़ने का कांग्रेसी प्रयास अनवरत जारी है। यह श्रीमान है कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश। इन्होंने कहा है कि भारत सरकार दक्षिणी राज्यों से पैसा लेकर उत्तरी राज्यों में खर्च करती है। अगर दक्षिणी राज्यों को धन का उचित हिस्सा नहीं मिला तो दक्षिणी राज्य एक अलग देश की मांग करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। देश को तीन टुकड़ों में बांटने के बाद भी कांग्रेस का प्रयास पेट नहीं भरा और अब दक्षिणी भारत को अलग करने की मांग उठाई जा रही है। डीके सुरेश द्वारा अलग देश की मांग पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को राज्यसभा में नाक रगड़ते हुए माफी मांगते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा तो हम इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वे किसी भी पार्टी का हो। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कहेंगे कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक है और एक रहेंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस प्रकार के बयानों पर क्या गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए? इस प्रकार के नेताओं को प्रतिबंधित करना चाहिए जो देश की संप्रभुता को तोड़ने की बिखेरने का काम करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए अंतरिम बजट पर विपक्षी दलों ने खासी नाराजगी जताई है। सभी ने कहा है कि बजट में आम लोगों को राहत देने वाला कुछ भी नहीं है। हालांकि कर्नाटक कांग्रेस के नेता और लोकसभा सांसद डीके सुरेश विरोध करते हुए इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने दक्षिणी भारत को एक अलग देश बनाने की बात कह दी। बता दें कि डीके सुरेश कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई है। अब उनके इस बयान पर भारी बवाल देखने को मिल रहा है। अंतरिम बजट पर बेंगलुरु से कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा था कि यह चुनावी बजट है। योजनाओं के कुछ संस्कृत नाम और हिंदी नाम पेश किए गए हैं। केंद्र दक्षिणी भारतीय राज्यों को जीएसटी और प्रत्यक्ष करों का हिस्सा नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा था कि दक्षिणी भारतीय राज्यों को अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिणी राज्यों से एकत्र धन उत्तर भारतीय राज्यों को दिया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक अलग देश की मांग करने के लिए हम मजबूर होंगे। केंद्र को हमसे 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हो रहे हैं और बदले में हमें जो मिल रहा है वह नगण्य है। हमें इस पर सवाल उठाना होगा। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो सभी दक्षिणी राज्यों को एक अलग राष्ट्र की मांग के लिए अपनी आवाज उठानी होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के बयान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, मैं सोनिया गांधी से माफी और कार्रवाई की मांग करता हूं। यह एक सांसद के रूप में उनकी शपथ का उल्लंघन है। मैं आग्रह करता हूं कि मामला आचार समिति को भेजा जाए। कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वे नहीं मानेंगे तो देश मान लेगा कि आप भी देश के टुकड़े टुकड़ों में अगर वे नहीं मानेंगे तो देश मान लेगा कि आप भी देश के टुकड़े टुकड़े में शामिल है। बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने भी कुछ ऐसी ही धमकी दी थी। डीएमके के सांसद ए राजा ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार तमिलनाडु को और अधिकार दे वरना अगला स्टेज अलग राष्ट्र के लिए लड़ाई होगा। राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए ये बातें कही थी। डीएमके सांसद ने कहा था, मैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से विनम्रता से कह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री अन्ना पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के संस्थापक के रास्ते पर चल रहे हैं। हमें पेरियार के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर ना करें। हमें अलग देश की मांग करने के लिए मजबूर मत कीजिए। हमारे राज्य को स्वायत्तता दीजिए और इसे पाने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका इन सब खबरों को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आज बीजेपी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है और ऐसे में दिल्ली और चंडीगढ़ में पुलिस हाई अलर्ट पर है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आज भी उन्होंने ईडी के समन को ठुकरा दिया। उन्होंने साफ तौर पर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। ऐसा 5वीं बार हुआ है जब ईडी ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा है और वो वहां नहीं जा रहे हैं। भले ही सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से एक्टिव है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े घोटाला मामले में जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। ईडी मुख्यालय से हुई पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है।
आज इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि आरोप है कि साल 2022 में 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को दो कैटेगरी में बांटा गया था। पहली कैटेगरी में केवल अपग्रेडेशन होना था और दूसरी कैटेगरी में क्षमता बढ़ाने का काम होना था। साल 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने इसके ठेके दिए, जिनकी कुल वैल्यू 1938 करोड़ रुपए के आसपास थी, जबकि इसकी अनुमानित लागत सिर्फ 1500 करोड़ रुपए थी। इस मामले में बीजेपी ने आरोप लगाया था कि 10 प्रोजेक्ट के लिए 10 डीपीआर बननी थी, लेकिन दो ही बनवाए गए और इसे सभी 10 पर लागू किया गया। और इस तरह से मूल्यांकन बढ़ाकर और अपने लोगों को ठेका देकर 450 से 500 करोड़ रुपए के आसपास का यह घोटाला किया गया। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 2017 से लेखा संबंधी कथित गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार के तहत दिल्ली जल बोर्ड में 3735 करोड़ रुपए का घोटाला होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि 2017 से खातों का हिसाब नहीं रखा गया और वे विवरण छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वही खातों से 1601 करोड़ रुपए का हिसाब किताब गायब है और डीजेबी के वित्तीय विवरण और बैंक के समाधान विवरण के बीच 1167 करोड़ रुपए का अंतर है। बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है, आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है और आप और बीजेपी कार्यालयों पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। वहीं चंडीगढ़ में भी यही हाल है, बीजेपी और आपके दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं ईडी के पांचवें समन को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा कि समन राजनीतिक तौर पर भेजा गया है और बीजेपी की साजिश है कि वो धरने का हिस्सा न बन पाए। उन्होंने कहा कि सही समय पर और सही समन पर ईडी के सामने पेश हुआ जाएगा, यह समन गैरकानूनी है। वहीं आपका कहना है कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है, वो दिल्ली सरकार को गिराना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। देश और धर्म का साथ देने का मतलब है कि कांग्रेस विरोधी हो जाना, इसलिए कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को अपने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि आजकल आचार्य हमेशा सत्य और धर्म की बात करते थे। लेकिन दोस्तों, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के लिए सही बातें बोल रहे थे या फिर उनको जबरदस्ती सस्पेंड किया गया है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दरअसल अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कांग्रेस का असली सच क्या है, तो वैसे लोगों के लिए बस इतना ही कहूंगा, ओम शांति ओम। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की पीएम मोदी से मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद से ही कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं और उनके कई बयान वायरल हो रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें उत्तर प्रदेश के संभल में 19 फरवरी को आयोजित होने वाले श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्स पर कहा, मुझे 19 फरवरी को होने वाले श्री कल्कि धाम में शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसे स्वीकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व धन्यवाद। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस की नीतियों और राम मंदिर पर उसके स्टैंड से मुखर आलोचक रहे हैं। कांग्रेस नेता की इस पोस्ट का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा, आस्था और भक्ति से जुड़े इस पवित्र अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार आचार्य प्रमोद जी। दरअसल यह मुलाकात भले ही एक धार्मिक कार्यक्रम के निमंत्रण से जुड़ी हो, मगर लोग अब इसके राजनीतिक मायने निकालने लगे हैं। सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू हो गया है। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस से तत्काल प्रभाव से निष्कासित होने का एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस लेटर को हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है,
सोशल मीडिया पर इस लेटर को कई लोगों द्वारा शेयर किया जा रहा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर जाने जाते हैं। वे पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं। राम मंदिर के न्योते से लेकर पार्टी के फैसले पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठाए थे। गौरतलब है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ से लड़ा था, लेकिन वे हार गए थे। पिछले कुछ समय से वे कांग्रेस नेतृत्व के कुछ फैसलों की आलोचना कर रहे हैं। कृष्णम ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेताओं के भाग नहीं लेने के फैसले की भी आलोचना की थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उन्हें सूली पर चढ़ना मंजूर है, मगर सिर झुकाना मंजूर नहीं। क्या कहना है इस पर आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। राहुल बाबा जहां जहां जाते हैं या जाने का रहता है, वहां राजनीतिक समीकरण बदल जाता है। बंगाल में ईडी गठबंधन से दूर जा रही है, बिहार में नीतीश और झारखंड में मुख्यमंत्री चेंज। यह बंदा यात्रा के नाम पर एक करने के लिए निकलता है, लेकिन सब उल्टा होता है। इस बात की गारंटी है कि इंडी गठबंधन 2024 में चुनाव के नतीजों के बाद ठग बंधन साबित होगा। इनके आपस में लठ चलेंगे और भविष्य में गठबंधन करना भूल जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब न्याय यात्रा की शुरुआत की तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जब तक ये यात्रा खत्म होगी तब तक उनकी पार्टी को एक के बाद एक झटके लग चुके हैं। दरअसल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडी गठबंधन बनाया, लेकिन चुनाव से पहले ही यह गठबंधन बिखरने लगा। आलम यह है कि राहुल की न्याय यात्रा अभी खत्म भी नहीं हुई है और इंडी गठबंधन को 3 राज्यों में 3 झटके लगे हैं। इंडी गठबंधन को सबसे पहला झटका तो पश्चिमी बंगाल में लगा। एक वक्त पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के खिलाफ जोर शोर से खड़ी होने वाली तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनडीए गठबंधन छोड़ने का फैसला किया है। इसके बाद से बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन में ही शामिल हो गए। ताजा मामला झारखंड का है, जहां कांग्रेस की सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा मुश्किलों का सामना कर रही है। इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी की भूमिका बहुत बड़ी थी, लेकिन जल्द ही दीदी ने इससे अलग होने का फैसला किया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि ममता सीट बंटवारे में हो रही देरी और कांग्रेस की तरफ से मांगी जा रही सीटों की संख्या से खुश नहीं थी। ऊपर से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से भी लगातार ममता पर निशाना साधा जा रहा था। ममता इस बात से भी नाराज थी कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब बंगाल में आई तो उन्हें शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं मिला। जनवरी के आखिर में राहुल गांधी जब बिहार में न्याय यात्रा लेकर पहुंचने वाले थे तो इस बात की चर्चा थी कि इसमें नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। हालांकि बिहार में राहुल की एंट्री से पहले ही नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू संग पाला बदलते हुए एनडीए में शामिल हो गए। नीतीश भी ममता की तरह ही सीट बंटवारे में हो रही देरी की वजह से नाराज थे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि नीतीश इंडी गठबंधन के संयोजक नहीं बनाए जाने से भी नाराज चल रहे थे। नीतीश के जाने के बाद बिहार में इंडी गठबंधन की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा, जिससे उभरने में काफी वक्त लगने वाला है। इंडी गठबंधन के लिए ताजा मुसीबत झारखंड में पैदा हुई है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को गिरफ्तार किया। कांग्रेस और जेएमएम झारखंड में सहयोगी है और जेएमएम इंडी गठबंधन का हिस्सा भी है। राहुल की यात्रा के झारखंड में आने से पहले ही हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी की वजह से इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान पहुंचा है। इस तरह इंडी गठबंधन को तीसरा झटका झारखंड में लगा है। क्या कहना है आपका इस पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस का असली चेहरा अपने आप असली भारत के सामने आ रहा है। पहले सत्ता की मलाई खाने के लिए इंडी गठबंधन, अब साउथ के एमपी का अलग देश की मांग और सो कोल्ड युवराज का चुप रहना। मलाई खाने के नीचे गिरने का इससे बड़ा एग्जाम्पल विश्व में नहीं मलाई खाने के लिए नीचे गिरना इससे बड़ा एग्जाम्पल विश्व में नहीं मिलेगा। 2024 एक लक्ष्य, कांग्रेस मस्ट बी ऑन जीरो सीट। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड में इंडी महागठबंधन ध्वस्त हो चुका है। इस परिस्थिति में झारखंड में राजद का एक एमएलए के साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कहना है कि हम इस गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं।
और गजब का मनोबल बढ़ाने का कथन भी है। अब इसी बीच विपक्षी गठबंधन ईडी में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पाला बदलने के बाद अब पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भी गठबंधन में बने रहने को लेकर संशय बना हुआ है। खबर है कि तृणमूल कांग्रेस भी ईडी गठबंधन से अलग हो सकती है, इसे लेकर वाम दलों ने नया दावा किया है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल पहुंच चुकी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार गुरुवार को वामपंथी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की एक भीड़ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान सीपीएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती और अन्य नेताओं के साथ रघुनाथगंज में राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सलीम ने कहा कि वाम दल आरएसएस भाजपा और अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए कांग्रेस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम आरएसएस भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, आरएसएस बीजेपी से मुकाबले के लिए राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। हम भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम इस यात्रा के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए यहां आए हैं। सलीम ने राहुल गांधी के साथ करीब 45 मिनट तक बैठक की। सलीम ने आगे कहा कि टीएमसी इंडिया गठबंधन से खुद को अलग करने के लिए उत्सुक दिख रही है। सलीम ने कहा बहुत सारे लोग शुरुआत से इस गठबंधन में शामिल हुए, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि कौन भाजपा के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बना रहेगा और कौन खुद को इससे अलग कर लेगा। ममता बनर्जी अब इससे खुद को अलग करना चाहती है और हम इसका स्वागत करते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।